स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिलवानी में विधायक रामपाल सिंह ने बनवाया कोविड सेंटर, 25 पलंग रहेंगे उपलब्ध। मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। सिलवानी क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने भी कई व्यवस्थाएं कराई हैं। मंगलवार को उन्होंने 25 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाने के लिए अपनी विधायक निधि से राशि स्वीकृत की थी, जिसमें मंगलवार को नगर सिलवानी में उसका उद्घाटन सिलवानी मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने किया। वहीं विधायक रामपाल सिंह द्वारा वीडियो कॉल करते हुए कहा कि कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित वाले मरीजों को रखा जाएगा और उनके बेहतर इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मरीजों को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मनोरंजन के साधन के तौर पर LED भी लगाई गई है, जिससे लोग अपनी बीमारी को भूलकर अच्छा महसूस करें, ताकि वह जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए आगाह किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी, श्याम साहू, दीपेश जैन, SDM संघमित्रा बौद्ध, तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान, CMO राजेंद्र शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी शिवम नामदेव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे। सिलवानी बमूरी संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ठाकुर रामपाल सिंह जी द्वारा कोविड सेंटर विधायक निधि द्वारा प्रदान किया गया है, उसी संदर्भ में आज उसका शुभारम्भ किया और उसमें 25 मनोरंजन के लिए TV एवं अन्य सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन से लेकर जो भी सुविधाएं लगेंगी, 24 घंटे उसमें डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे विधायक ने की है।